हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं हरिहर राउत आपको हरिहर उड़ीसा चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है। मुझे एक व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट किए थे कि बीच बीच में केमिकल्स के बारे में जानकारी देने के लिए। तो पहले जो वीडियो था उसमें हम एसिड सॉल्युबल और एओएस के बारे में जानकारी दे चुके हैं। तो आज हम जो जानकारी देंगे वो एसिलिएस के बारे में। एसएलएस का जो फुल फॉर्म होता है सोडियम लॉरल एथर सल्फेट, ये जो एसएलएस है उस जेल फॉर्म में आता है, और उसके बारे में जानेंगे। एसएलएस सोडियम लॉरल सल्फेट वो पाउडर फॉर्म में आता है, हम दोनों के ही यूज करते हैं फोमिंग एजेंट के तौर पर। जो एसएलएस होता है उसे हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट के साथ साथ पर्सनल केयर प्रोडक्ट में भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं। और ये जो एसएलएस होता है उसे जो इथर का केमिकल होता है, जब हम उसे सॉल्ट डालते हैं पानी में डालने के बाद, अगर हम उसमें सॉल्ट डालते हैं तो वो उसे थिक बना देता है। उसी तौर पर एसएलएस जो पाउडर फॉर्म में होता है, अगर हम उसे पानी में मिक्स करके सॉल्ट डालते हैं तो वो थिक तो होता है, हाँ थोड़ा बहुत थिक होता है, मगर उतना नहीं जितना एसएलएस होता है। एसएलएस पाउडर को हम ज्यादातर डिटर्जेंट पाउडर बनाने में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, एसएलएस जो पाउडर होता है उसे कुछ लोग हैंडवॉश में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर पर्सनल केयर प्रोडक्ट में एसएलएस का इस्तेमाल ज्यादातर नहीं होता है। हम ज्यादातर जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट होता है एसएलएस का यूज करते हैं। और ये एक अच्छा फोमिंग एजेंट भी होता है, हाँ उसे जब हम नमक डालते हैं या सॉल्ट उसे ऐड करते हैं, अगर हम ज्यादा सॉल्ट डालते हैं वो सेपरेशन आ जाता है। हम 100 ग्राम एसएलएस में 20 ग्राम तक सॉल्ट डाल सकते हैं, और उस अगर उससे ज्यादा डालते हैं तो उसका फोमिंग के जो वैल्यू होता है वो बहुत ही कम जाता है, फोमिंग घट जाता है, और कभी कभी ज्यादा डालने के कारण वो सेपरेशन भी कर जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि एसएलएस और एसएलएस यूज करना शरीर के लिए हानिकारक होता है, हाँ ये भी होता है। उसे जो इस्तेमाल करते हैं तो कभी कभी एलर्जी हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ भी होता है। यानी ये अगर शरीर के लिए हानिकारक है तब भी हम उसे इस्तेमाल करते हैं। इसे भी हम उसे जो टूथपेस्ट है उसमें भी एसएलएस का यूज भी करते हैं। तो हम इसी तरह हम एसएलएस को हमारा डेली दिनचर्या में भी शामिल कर लेते हैं, और उसे कॉस्मेटिक चीजों में भी उसका इस्तेमाल भरपूर मात्रा में कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो एसएलएस लिक्विड्स का जो प्राइस होता है उसका प्राइस 75 रुपीस आता है, और जो पाउडर फॉर्म में जो एसएलएस पाउडर आता है उसका जो प्राइस होता है वो 175 से 200 तक आ जाता है। दोस्तों, उसका जो लिक्विड आता है, जो जेल फॉर्म में जो एसएलएस आता है वो 50 केजी ड्रम में आता है, और एसएलएस पाउडर जो आता है वो उसका जो बैग होता है वो 25 केजी का होता है। तो यहीं से हमारा एसएलएस के बारे में जो इन्फॉर्मेशन था वो कंप्लीट हो चुका है। हम मिलेंगे दूसरे वीडियो में दूसरे फॉर्मुलेशन या दूसरे इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक मैं लेता हूँ आपसे विदाई। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।